हेलो फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, हम लोग अभी बात कर रहे हैं मॉर्निंग ट्रेड के बारे में। और मॉर्निंग में ट्रेड देखिए, हम लोग एक 9:20 स्ट्रेटजी जैसे कि हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग ट्रेड में, ओपन आई लो पे हम अगर एक ट्रेड लेते हैं तो ध्यान से देखेंगे तो एंट्री अगर हमारी यहाँ पे बनी थी तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा एस एल ही होने वाला था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड ना लेना चाहिए। ना लेने का रीज़न क्या है वो समझ लीजिए, ज़रा सा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, क्योंकि मार्केट क्या है, यहाँ से जो इसकी ओपनिंग थी वो 300 प्लस पॉइंट में ओपन हुआ है, पहली चीज़। और होने के बाद क्या हुआ है ना, ये नेगेटिव आया है। और जो यहाँ पे यार जो खरीद के बैठा है, ये ख़रीदा है जिसको इतना पॉइंट प्लस में मिल चुका है, वो 50-100 पॉइंट नीचे आने से तो वो बेचेगा नहीं। और मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आया नहीं, मार्केट का ये सपोर्ट था, सपोर्ट से मार्केट रिटर्न हो गया। तो सपोर्ट से अगर रिटर्न हो गया और इसके जो कंपोनेंट थे, कंपोनेंट भी एक हाई जो बनाया उन्होंने, हाई के ऊपर फिर वो लोग ट्रेड नहीं किए, तो मार्केट में सीधी सीधी बात थी कि मार्केट ट्रेड करने वाला नहीं था अपसाइड में। इसके लिए अब क्या हुआ, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो अब जिन्होंने ख़रीदा था यहाँ पे उनको क्या हो गया, मार्केट में अच्छे पॉइंट मिलने लगे। देखिए, गैप अप होता है तो गैप अप में जैसे अगर 300 प्लस पॉइंट में अगर गैप अप हुआ है तो प्रीमियम में इनको 100 पॉइंट या 120 पॉइंट का ही मिला हुआ है ट्रेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई गैप अप है, गैप अप में मार्केट उतना नहीं, और वैसे भी आज फ्राइडे है तो मार्केट उतना सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ठीक है, और ये जो है ना, इतना मार्केट नीचे आने के बाद जो मार्केट इतना चला है ना, ये इतना अपसाइड, ये आपको 30 से 35 पॉइंट आपको दे देगा, क्योंकि जितना पॉइंट ऊपर जाएगा उतना, क्योंकि ये गैप अप वाले के लिए बेनिफिट रहता है, इसलिए वहाँ पे हुई प्रॉफिट बुकिंग और मार्केट एक बार नीचे आया। ट्रेड हमारा एग्जीक्यूशन बनता कब है कि मार्केट ये जो लास्ट लो बनाया था मार्केट ने, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, लास्ट लो जो बनाया था मार्केट, इस लो को पहली बार में यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर दोबारा फिर इसी को होल्ड करके फिर से मार्केट ऊपर गया, यहीं पर देखिए ये कैंडल। तो इसको बस एक ट्रेड रख के इसको ब्रेक नहीं किया ज़्यादा नीचे तक, तो मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर गया। तो जिनको ट्रेड लेना था, देखिए जिनको ट्रेडिंग्स करनी थी वो यहाँ पे एंट्री अपनी ले सकते थे, और ये इसी का हाई जो था वो फर्स्ट ट्रेड में आप एग्जिट कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ क्यों हुई, इस ट्रेड के बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इस ट्रेड को मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? देखिए, मैं आपको एक दो दिन और का भी दिखा देता हूं, जहां पे मार्केट एक होल्डिंग्स टाइम में आता है और मार्केट ऐसा करता है, चाहे जब भी ये दो बार सस्टेनेबल अगर ऐसा होता है, जैसे कल का भी देख लीजिए। ये देखिए लास्ट मार्केट, ये तो फर्स्ट ऊपर गया, ये लो था, देखिए यहाँ पे एक बार, दूसरी बार में अगर कोई एंट्री मारा है तो उसका एग्जिट नहीं हुआ है, तीसरी बार फिर मार्केट अपसाइड में किया है मोमेंटम। तो ये चीज़ तो है ही है कि चाहे जब भी ऐसा होता है, मार्केट अगर एक ही रेंज पे दो से तीन बार अगर सपोर्ट लेता है तो मार्केट, ये देखिए फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंट्री अगर कोई मारता भी है तो उसका एग्जिट भाई अब 70 पॉइंट का आपका 60-70 पॉइंट का एसएल होता है, ये एसएल हुआ नहीं है, मार्केट अपसाइड गया। यहाँ पे भी देखिए मार्केट अपसाइड गया, तो ये है कि मार्केट अगर ऊपर जाके फिर से आता है उसी पॉइंट को अगर होल्ड करता है, देखिए यहाँ पे ये वाली कैंडल ने होल्ड किया और फिर ये कैंडल ब्रेक करके फिर से ऊपर जा रही है, क्लोजिंग उसके नीचे मिली नहीं है, या फिर कोई कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं किया और अगली कैंडल उसके नीचे गई नहीं है, तो हम इस ट्रेड को देख सकते हैं। और ये प्रॉफिटेबल होता है बहुत बार, हमेशा ये ट्रेड आपको लगभग बहुत कम ही टाइम ऐसा होता है। और ये क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, एकदम फ्रेश होता है, फ्रेश होता है, तो हमारा एसएल जो होता है ना वो यहाँ का, यही देखिए, अगर ये है लगभग ये 430-440 पे है, तो जो कि ये 400 का आपका एसएल भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जैसे अगर आप लो चेक करना चाहें तो उसकी लास्ट लो है 469 यानी 70 का है, अगर 70 पे आप एंट्री लेते हैं तो उसका एसएल, भाई यार आपको पता है कि 450 पे इसका 430 पे इसका जो है ना एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुकेगा। ये देखिए यहाँ से तो मार्केट बहुत तेज़ी से गया, तो जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, 430 पे इसका एक सपोर्ट है, तो आप एसएल बहुत छोटा हो जाता है ना यार, 470 पे आप एंट्री लेते हो, ठीक है, 470 छोड़ दो, अगर आप 480 पे भी अगर एंट्री लेते हो तो 450 पॉइंट का एसएल है, या तो ये 430 से लेकर 450 का एक रेजिस्टेंस जोन है, तो ये दोनों के बीच में आप देख सकते हो, मार्केट वहाँ तक तो आता भी नहीं है, वहाँ से फिर हाई पे जाता है मार्केट, 600 के पास में जाता है, तो आपको कम से कम 60-80 पॉइंट की तो आपको टारगेट मिल जाता है, तो एग्जिट कर ही सकते हैं। ठीक है, सो हैव अ गुड ट्रेड।